देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर में कुंडी तोड़कर जेवर और नकदी रुपए चुराए। मामला है जनपद जालौन के नगर क्षेत्र के मोहल्ला चमन दुबे के सामने आया है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर में कुंडी तोड़कर चोरी कर ले गए। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद आरिफ, जो कि बाहर रहकर धंधा करता था और यहां उनकी मां और भांजा रहता था, देर रात अज्ञात चोरों ने घर के रखे हुए कुछ रुपये और कुछ जेवरात चोरी कर ले गए। जबकि आरिफ को इसकी जानकारी हुई तो वो अपने घर आए, जहां उसने चोरी के संबंध में मीडिया को जानकारी दी और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी हमलावरों के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जालौन से कृष कुमार कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आपका मोहम्मद आरिफ, आपके घर में क्या हुआ है बताएं जरा, क्या क्या सामान लिया? सर हमारे सामान रात में अम्मी हुई थी, हम तो थे बाहर जी। हम एमपी छतरपुर में थे, वहाँ काम करने के लिए गए थे, तो यहाँ अम्मी थी और ये हमारा भांजा था, यहाँ ऊपर सबको लेते थे जी। तो रात में चोरों ने यहाँ से सब सामान वगैरह जो भी था, जेवर वेवर हमारा, वो सब निकाल ले गए। आपके सामने है सब, एक दिखाई दे रहा है जी। तो जो नगद था वो देख के लगभग कितना रुपये नगद था और कितना जेवर चोरी हुआ? लगभग ऐसे 27,000 रुपये करीब नगद रखे थे यहाँ। वो लगती बच्चों की वो तोड़ ले गए, उनका कुछ पता नहीं दिखते थे। जेवर में भी काउंटिंग करके बता रहे हैं मैडम हमारी, उनको बताया कितना सामान था। कई लोगों का सामान दो लोगों का सामान था।